अंटार्कटिका दुनिया का एक अकेला कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई इंसान नहीं रहता है, क्योंकि यहां का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और साथ ही यहां 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं। इन सब के बावजूद भी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड जैसे देश अंटार्कटिका पर अपना कंट्रोल क्यों लेना चाहते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए इसे और गहराई से जानते हैं। सैन 1992 में US जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में यह डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में के 500 बिलियन बैरल्स नेचुरल गैस और तेल के भंडार है, लेकिन चाइना और अदर कंट्री ऑयल के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है। रिसेंट के ही एक रिसर्च में पता चला है कि अंटार्कटिका में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिन और टंगस्टन और जैसे मिनरल्स पाए गए हैं। यह मिनरल्स सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं। अब क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल से हट के इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को जनरेट करने वाली मिनरल्स पर है, शायद यही कारण है कि अंटार्कटिका पर ऑल कंट्री अपना क्लेम जमाना चाहते हैं।